हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे देश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज के क्लास में, उन करेंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की अगर बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को इस क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप लोग अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। आप लोग किस तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप लोग सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लासेस को शुरू करते हैं और क्लास को शुरू करने के साथ साथ हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड विधानसभा में यानी झारखंड असेंबली में विंटर सेशन को शुरू किया गया है। विंटर सेशन शुरू होने के साथ साथ झारखंड विधानसभा में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है रामेश्वर उरांव। इनके द्वारा 8,533 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। तो झारखंड विधानसभा में कौन सा सेशन शुरू हुआ है? विंटर सेशन शुरू हुआ है और यहाँ पे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा दूसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। ये बजट कितने का है? तो 8,533 करोड़ का। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये है झारखंड विधानसभा और ये कहां पे है? तो ये रांची में है। ये आप देख सकते हैं विंटर सेशन जो है वो शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये जो आप काले कोट में देख पा रहे हैं ये कौन है? तो ये है हमारे झारखंड विधानसभा के कौन है, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है जिनके द्वारा झारखंड विधानसभा में क्या किया गया है? तो इनके द्वारा झारखंड विधानसभा में बजट जो है वो पेश किया गया है, ठीक है। और क्या देखेंगे? ये जो आप सर्टिफिकेट को हाथ में लेकर देख पा रहे हैं ये कौन है? तो इनका नाम है यास्मीन और आज हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। इनके बारे में क्या जानेंगे? तो इनको अभी भारत सरकार के द्वारा फूड आइकन अवार्ड 2022 जो है वो दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, कहाँ की ये रहने वाली है, इन्होंने कौन सा काम किया है जिनके तहत ये अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है, इनका नाम क्या है? यास्मीन नाम है इनका। तो आज हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। भारत सरकार के द्वारा फूड आइकन अवार्ड 2022 जो है इन्हें दिया गया है। उसके बाद आज हम लोग और क्या जानेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि खेलो इंडिया के दिसंबर महीने में दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो 19 दिसंबर से की गई है। कहाँ पे की गई है? तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत 19 दिसंबर से की गई है। तो आज हम लोग इसके बारे में भी जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे?
उसके बाद जानेंगे हम लोग कि भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या नाम है? प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अमेरिका की कंपनी के साथ एमओयू किया है। किस क्षेत्र में क्या है? तो युद्ध में प्रयोग होने वाले जो भी हथियार है उसके निर्माण के लिए इन्होंने एमओयू किया है। इस एमओयू में क्या कहा गया है? तो इस एमओयू में भारत में उन हथियारों का निर्माण जो है वो किया जाएगा, ये कहा गया है। और भारत में इनका निर्माण किया जाएगा, साथ ही साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए प्लांट जो है लगाए जाएंगे। इसका एक प्लांट हमारे झारखंड के रांची में भी लगाया जाएगा। तो ये न्यूज जो है वो निकल के सामने आई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या जानेंगे? हाल ही में 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस जो है वो मनाया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। ये सभी आज के करंट अफेयर हैं जो आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग झारखंड के आज के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब देखिए, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपये का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। तो झारखंड विधानसभा में 8,533 करोड़ का अनुपूरक बजट, दूसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। अब बात करेंगे अनुपूरक बजट को पेश किया गया है तो किसके दौरान किया गया है? विंटर सेशन के दौरान किया गया है। सेशन की बात करेंगे तो तीन सेशन होते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सेशन जो होते हैं तीन होते हैं, जिसे हम लोग BMW के नाम से जानते हैं, BM और W। बी यानी बजट सेशन, एम यानी मानसून सेशन और W यानी विंटर सेशन। तो बजट, मानसून और विंटर, ये तीन सेशन होते हैं। इनमें से हाल ही में झारखंड असेंबली में विंटर सेशन को शुरू किया गया है और इसी विंटर सेशन में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है रामेश्वर उरांव, यानी झारखंड के वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव, इनके द्वारा 8,533 करोड़ के दूसरे अनुपूरक बजट को पेश किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8,533 करोड़ के दूसरे अनुपूरक बजट को झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया है। यह है रामेश्वर उरांव के द्वारा 8,533 करोड़ के दूसरे अनुपूरक बजट को पेश किया गया है और झारखंड असेंबली में यानी झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन जो है वो शुरू हुआ है। तो सेशन कितने होते हैं हम लोग इसके बारे में तो जान गए हैं। ये जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में सभी डिटेल आपको दी हुई है, तो किस चीज के लिए कितने रुपए का बजट जो है वो रखा गया है। अगर इस बजट की बात करेंगे तो वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए यह बजट जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग इतनी चीजें समझ गए होंगे। झारखंड असेंबली में यह बजट पेश किया गया है तो यह है झारखंड असेंबली। झारखंड असेंबली की स्थापना जो है 2000 में की गई था, वर्ष 2000 में किया गया था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, डेट आप लोग कमेंट करके आंसर दे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा कि झारखंड विधानसभा का यानी झारखंड असेंबली का स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया था। अक्टूबर के महीने में झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया था। आप लोग अगर करंट अफेयर को डेली देख रहे हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया है। जिस तारीख को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया है उसी तारीख को वर्ष 2000 में झारखंड विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर दे कि झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आप लोगों के लिए इतना हिंट देते हैं कि अक्टूबर के महीने में झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह है झारखंड असेंबली की तस्वीर और यहां पे विंटर सेशन को
शुरू किया गया है। ये जो आप काले कोट पहन के देख रहे हैं ये कौन है, तो ये है हमारे झारखंड के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रामेश्वर उरांव। और इन्हीं के द्वारा ये जो बजट है, दूसरा अनुपूरक बजट, उसे पेश किया गया है। अगर आप लोग झारखंड सरकार से बजट पेश करने के मामले में कहें तो बजट पेश करते हैं सही टाइम पे। आप लोग अगर आप लोग कहें कि झारखंड सरकार को सफाई देना हो तो सफाई एकदम सही टाइम पे देते हैं। दूसरा कोई काम करना हो तो सही टाइम पे करते हैं। लेकिन अगर आप लोग रोजगार से जुड़ी बातें करेंगे झारखंड सरकार के साथ, चाहे वो झारखंड के कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, खेल मंत्री हो, किसी भी मंत्री के साथ अगर आप रोजगार से जुड़ी बातें करते हैं तो वो सही टाइम पे उनके लिए नहीं होता। शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी बातें याद नहीं आ रही है कि उन्होंने चुनाव के समय कौन कौन से वादे किए थे। आज उनको अपने वादे शायद याद नहीं आ रहे। सत्ता चीज ही ऐसी होती है, एक बार जब जीत जाने के बाद ना, कुर्सी मिलने के बाद चीजें याद नहीं रहती है लोगों को। तो खैर, हम लोग अभी पॉलिटिक्स की बातें कर नहीं रहे हैं, जब हम लोग झारखंड की पॉलिटी को पढ़ेंगे उस समय पॉलिटी की बातें करेंगे। अब हम लोग करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर तक हम लोग रहने देते हैं, बाकी अगर बोलने लगेंगे तो इनकी पोल ना खुल जाए। तो ये है काले कोट में, आप जो देख सकते हैं एकदम सूट बूट में रहते हैं हमारे झारखंड के वित्त मंत्री। इनका दूसरा कोई काम नहीं होता है, रोजगार से जुड़ी बातें करेंगे तो आप चुप हो जाएंगे। ये सूट बूट में रहते हैं, ये हमारे झारखंड के वित्त मंत्री। इनके द्वारा दूसरा अनुपूरक बजट जो है 8,533 करोड़ का वो पेश करके आ गया है। बस बजट ही पेश करते हैं, काम कुछ करते नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले के यास्मीन को फूड आइकन अवार्ड 2022 जो है वो दिया गया है। फूड आइकन अवार्ड की बात करेंगे तो यास्मीन जो है झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली है। यास्मीन की बात करेंगे, ये झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली है और यास्मीन ने अब तक 200 से भी ज्यादा महिलाओं को कुकिंग की ट्रेनिंग दी है। और इन्हीं सराहनीय काम के कारण भारत सरकार के द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन्हें फूड आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित जो है वो किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। ये कहां के रहने वाली है, तो ये जो है बोकारो के रहने वाली है, यास्मीन बोकारो की जो है रहने वाली है, ये बोकारो की जो है रहने वाली है। तो झारखंड के बोकारो जिले के यास्मीन को फूड आइकन अवार्ड 2022 दिया गया है और इन्हें दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है 200 से भी ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग यानी कुकिंग की ट्रेनिंग देने के कारण इन्हें ये अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। यास्मीन, तो आप ये देख सकते हैं ये जो अवार्ड लेके खड़ी है इन्हीं का नाम है यास्मीन और ये जो है झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली है। तो इन्हें फूड आइकन अवार्ड 2022 जो है दिया गया है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए बोकारो जिले की ये रहने वाली है। बोकारो की बात करेंगे, ये जो आप मैप में देख पा रहे हैं लाल कलर में जो शेडेड पोर्शन है, ये हमारे झारखंड का बोकारो जिला है। बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बोकारो में है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल होने के कारण बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। बोकारो की स्थापना 1991 में किया गया था, धनबाद से अलग करके बोकारो की स्थापना 1991 यानी 1991 में किया गया था। बोकारो में वर्तमान समय में ब्लॉक कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है। बोकारो अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है, ये आप देख पा रहे हैं ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के साथ ये जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के जिलों की बात करेंगे तो झारखंड के 4 जिले हैं जो बोकारो के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये है रामगढ़, ये है हजारीबाग, ये है गिरिडीह और ये है धनबाद। ये 4 जिले हैं जो बोकारो के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। बोकारो के एरिया की बात करेंगे, 2,883 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है, 720 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है और लगभग 73% यहाँ का पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट है, लगभग 73% यहाँ का लिटरेसी रेट है। तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखें, ये इस बोकारो के
9 ब्लॉक है। अगर डिवीजन की बात करेंगे, प्रमंडल की बात करेंगे, तो साउथ नॉर्थ छोटनागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। और सब डिवीजन की बात करेंगे, अनुमंडल की बात करेंगे, तो यहाँ पे दो है, चास और बेरमो, बोकारो के दो सब डिवीजन है यानी दो अनुमंडल है। और ये इसके आप ब्लॉक के पोजिशन को देख सकते हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखे कौन सा ब्लॉक कौन से राज्य के साथ कौन सा जिले के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, तो इन सभी चीजों का आप लोग याद रखें। यहाँ पे ज्यादा ब्लॉक है नहीं, टोटल 9 ही ब्लॉक यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कब से खेलो झारखंड के दूसरे चरण की शुरुआत जो है की गई है। बात करेंगे खेलो झारखंड की, तो 19 दिसंबर से खेलो झारखंड के दूसरे चरण की शुरुआत जो है की गई है दिसंबर के महीने में। अगर नवंबर के महीने में बात करेंगे तो नवंबर के महीने में खेलो झारखंड का आयोजन जो है 5 नवंबर से 15 नवंबर तक किया गया था। पहले चरण की बात करेंगे दिसंबर के महीने में, तो खेलो झारखंड प्रतियोगिता के पहले चरण की शुरुआत जो है वो 15 नवंबर से किया गया था, सॉरी 15 दिसंबर से किया गया था। 15 से लेकर 27 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था, और रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। वहीं पे यानी मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही 19 दिसंबर से खेलो झारखंड प्रतियोगिता के दूसरे चरण की शुरुआत जो है की गई है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 19 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई है। अब बात करेंगे दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में केवल 4 ही ऐसे खेल है जिन्हें रखा गया है। कौन कौन से 4 खेल है, तो तीरंदाजी यानी अर्चरी, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल। अर्चरी, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये 4 खेल है जिन्हें दूसरे चरण में रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस खेल में 2000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, तो 19 दिसंबर से रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसकी शुरुआत जो है वो किया गया है, इसे आप लोग याद रखिए, खेलो झारखंड प्रतियोगिता। ठीक है, तो 19 दिसंबर से इसका जो आयोजन है वो किया गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में हथियारों का प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया भारत की कंपनी है प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इन्होंने अमेरिका की कंपनी के साथ एक एमओयू किया है, और इस एमओयू के तहत ये कहा गया है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध से जुड़ी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हथियारों का निर्माण जो है वो किया जाएगा, और इन हथियारों के निर्माण करने के लिए कई प्लांट अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। इसी एमओयू के तहत झारखंड के रांची में एक प्लांट लगाया जाएगा जिसमें इन हथियारों का निर्माण जो है किया जाएगा। यानी अमेरिका की कंपनी झारखंड के रांची में अपना प्लांट लगाएगी और वहां पे हथियारों का निर्माण करेगी, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग जरूर याद रखें। तो अमेरिका और भारत के द्वारा ये एमओयू किया गया है। अमेरिका की कंपनी कौन सी है, तो अमेरिका की कंपनी है सेंट्रीयू सिस्टम, क्या नाम है इसका, सेंट्रीयू सिस्टम, और भारत की कंपनी है प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रेरणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, हथियारों का निर्माण झारखंड के रांची में भी अब किया जाएगा। तो हमारा झारखंड अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारे झारखंड में मिनरल्स तो भरपूर मात्रा में पाए ही जाते हैं, वो तो झारखंड सरकार की कमी है, झारखंड में कोई भी ऐसा सरकार नहीं आया जो झारखंड को आगे बढ़ा सके। अब हमारा झारखंड धीरे धीरे विकास की ओर जा रहा है, झारखंड के रांची से अब क्या किया जाएगा, तो हथियारों का निर्माण भी किया जाएगा। भारत की कंपनी प्रेरणा ग्रुप और अमेरिका की सैनिटरी कंपनी दोनों मिलकर झारखंड के रांची में एक प्लांट लगाएगी, और इस प्लांट में हथियारों का निर्माण जो है वो किया जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब छत्तीसगढ़ गौरव दिवस जो है वो मनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ गौरव दिवस की बात करेंगे, 17 दिसंबर को ये मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, और इनके द्वारा इस अवसर पर 15,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। कितने करोड़ की, तो 15,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 15,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास जो है किया गया है, इसे आप लोग याद रखिए। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस जो है वो मनाया गया है, और ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ये कौन है, ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की बात आई है, तो ये हमारा झारखंड है, और हमारा झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के 4 ऐसे जिले हैं
जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के जिलों के बारे में जानते हैं। ये आप देख रहे हैं झारखंड के वेस्ट में, झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये वो चार जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। झारखंड जो है पांच राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जिनमें से पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो झारखंड के चार जिले छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मैप में छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के दो जिले झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, जैसपुर और बलरामपुर। जैसपुर और बलरामपुर ये छत्तीसगढ़ के दो जिले हैं, यानी झारखंड के चार और छत्तीसगढ़ के दो जिले आपस में बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात करेंगे, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में किस देश की टीम जो है वो विजेता बनी है। तो फीफा वर्ल्ड कप में किस देश की टीम विजेता बनी है, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है कि झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दे। तो चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का हम लोग रिविजन करते हैं। इसमें आपसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा कब मुख्यमंत्री आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान की शुरुआत जो है की गई है। तो झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान की शुरुआत कहां से की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिरिडीह। गिरिडीह जिले से इसकी शुरुआत की गई है और इसकी जो शुरुआत है वो 12 अक्टूबर से किया गया है। इसे दो चरण में लाया गया था, दो फेज में इसे लाया गया था। पहले फेज में 12 से लेकर 22 अक्टूबर और दूसरे फेज में 1 से लेकर 14 नवंबर तक। पहले फेज में 12 से 22 अक्टूबर और दूसरे फेज में 1 से 14 नवंबर तक इसे लाया गया था। गिरिडीह जिले से 12 अक्टूबर को इसकी शुरुआत यानी इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। तो ये आप डिटेल बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं पिछले क्लासों में, आज बस इसका हम लोग रिविजन कर रहे हैं। तो ये आप अच्छे से देख ले, ठीक है। मुख्यमंत्री आपके सरकार आपके द्वारा आपके अभियान। हाल ही में साइबर क्राइम से बचाव के लिए किस जिले में जागरूकता अभियान जो है चलाया गया है। साइबर क्राइम से बचाव के लिए रांची में जागरूकता अभियान जो है वो चलाया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची सीआईडी के द्वारा यह अभियान जो है चलाया गया है। झारखंड के किस शहर के आदित्य का चयन युवा भारतीय शूटिंग टीम में किया गया है। तो आदित्य की बात करेंगे, ये झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इनका जो चयन है अभी हाल ही में युवा भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आदित्य की बात करेंगे, ये आप आदित्य देख सकते हैं, ये है आदित्य और ये झारखंड के एकमात्र इंटरनेशनल खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले ये झारखंड के एकमात्र इंटरनेशनल खिलाड़ी है। हाल ही में कब सरायकेला जिले में स्थित अर्काजन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। अर्काजन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये सरायकेला खरसावा में स्थित है और इसके दीक्षांत समारोह की बात करेंगे तो 10 अक्टूबर को इसका दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस जो है शामिल हुए थे। अर्काजन विश्वविद्यालय, तो ये आप देख पा रहे हैं, यह अर्काजन विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये तो ये जो है झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में स्थित है, ठीक है। तो पहला दीक्षांत समारोह इसमें राज्यपाल रमेश बैस जो है शामिल हुए थे। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है, सॉरी
11 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया गया है। ये प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया जाता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।